बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ शलजम मूली की भुजिया। तो मैंने ये काट कर चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मैंने पानी उबालने के लिए और गलने के लिए पानी डालकर मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो और गलने के लिए मैं ये रख दूँगी। तो मैंने ये शलजम और मूली इस तरह से काटा है, इस तरह से पतला, इस तरह से। और ये पत्ते हैं मूली के, तो ये मैं जब उबल जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये मैंने पानी डाल दिया है, इतना पानी डाल दिया है कि ये सारी डिब हो गई हैं और मैं इन्हें गला लूँगी। तो ये मूली और शलजम जो है उबल गई थी और गल गया था, गला लिया था मैंने और फिर इनको पानी निचोड़ लिया था इस तरह से, इस तरह से दबा दबा कर मैंने इनका सारा पानी निकाल दिया। एक टमाटर लिया है और 4-5 हरी मिर्चें हैं, एक प्याज और एक टीस्पून छोटा चम्मच जीरे का। ये 6-7 जवे मैंने लहसुन के लिए थे जिन्हें मैंने कूट लिया है। एक टीस्पून छोटा चम्मच है धनिए का, आधा है हल्दी का, एक छोटा ही चम्मच नमक का है और ये एक छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च का और आधा कुटी हुई मिर्ची का लिया है। आप मिर्ची और नमक अपनी पसंद से डाल सकते हैं। और ये रखा है मैंने पालक धोकर, ये एक गड्डी मैंने पालक की ली थी, इसे मैंने इसे काट लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं किस तरह बनाऊंगी मैं। ये मैंने 200 ग्राम या आप आधा पाव भी डाल सकते हैं, ये मैंने आधा पाव से ज़्यादा है इसमें ऑयल तो वो मैंने डाल दिया है। ये सरसों का ऑयल है, इसका रंग थोड़ा वाइट की तरफ जाता है, लाइट हो जाता है। तो मैं इसमें बघार डालूँगी जीरे और प्याज का और लहसुन का। तो ये ऑयल गर्म हो चुका है और ये लाइट भी हो गया है, सरसों के तेल को लाइट कर लेते हैं तो इसकी साउंड और खुशबू होती है सरसों की वो ख़त्म हो जाती है और ये इस तरह से टेस्टी हो जाता है। तो मैं अब डाल दूँगी लहसुन। ये लाइट हो गया है हल्का ब्राउन, तो मैं प्याज जीरा डालूंगी। प्याज भी थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाती है तो मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। ये हरी मिर्चें और प्याज में डाल देंगे, हरी मिर्चें और टमाटर। थोड़ा नरम हो जाए तो 1 टेबलस्पून पानी। टमाटर थोड़ा गल जाएगा, मसाला जलेगा नहीं। ये मैं मसाले डाल रही हूँ।
आपको पता नहीं इस वक्त कितनी अच्छी खुशबू इसकी उठ रही है लहसुन प्याज और मसाले की, और इतना ही लजीज ये सालन वो सब्जी बनकर जब तैयार होगी लगेगी, वो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं पालक डाल दूंगी अब। पालक थोड़ा गल जाता है और इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाता है थोड़ा पालक का, यह भी पानी छोड़ेगा तो मैं यह भी ढककर रख रही हूँ, इसके बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखें काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया है और ये नरम हो गया है बिल्कुल। जब ये भुनने लगेगा तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। तो अब मैं ये भूनने लगी हूँ, ये पानी सारा खुश्क हो गया इसका, ये मैं भून लूँगी। आप भी मसाला भूनने के बाद पालक डालें तो कम आँच पर इसको गलाएं ताकि ये इसका पानी जो सारा है खारा वो अच्छी तरह से जल जाए, खारा ना लगे ये हमें। अगर आप चाहें तो इसे शलजम मूली के साथ ही उबाल भी सकते हैं, मगर इस तरह से ज़रा ज़्यादा टेस्टी लगता है और अपनी अपना बनाने का तरीका है। अब मैं ये शलजम मूली जो मैंने निचोड़ के रखी थी ये डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से दबा दबा कर इसको मिक्स कर दें इसमें। आप ये जो भी आप रोटी बनाकर खाएं, बेसन की, बाजरे की, चावल की, किसी भी आटे की आप खाएं तो उस पर देसी घी ज़रूर लगा लें, इसका स्वाद बढ़ जाएगा, इसका जायका बढ़ जाएगा। और ये भी खाएं तो उसके ऊपर मक्खन डाल लें, मक्खन डालकर इसको खाएं और देसी घी की रोटी खाएं, बहुत ही मज़ेदार बहुत जायकेदार सर्दियों के दिन यादगार दिन बना लें, क्योंकि ताज़ा और जायकेदार इसी वक्त आई हुई हैं। ये हर सब्ज़ी इसी वक्त ज़्यादा टेस्टी हुई हुई है कि ये ताज़ा ताज़ा आती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में आती हैं, सेफ हुई हुई नहीं होती हैं। तो ये देखें बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने अच्छी तरह से इसको पालक के साथ मिक्स कर दिया, घोट दिया है। और आप चाहें तो इस स्टेज पर आप मक्खन डालकर इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी बहुत मज़े की लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो आप भी मेरी तरीके से बनाइएगा और खाएं। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।